हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे नए चैनल करियर मास्टर पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके लगातार फीडबैक कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कई लोगों ने सवाल पूछा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अंडरटेकिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, इसका फॉर्मेट क्या होगा। हालांकि मैंने कमेंट्स के कई बार जवाब दिए हैं, लेकिन आप लोग फिर भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं ये एक्सक्लूसिव वीडियो लाया हूँ कि अंडरटेकिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाए, किससे इशू किया जाए। सबसे पहले अंडरटेकिंग इस हालत में दिया जाएगा कि अगर आपकी कोई मार्कशीट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर किसी भी नोटरी में जाकर आप अंडरटेकिंग बनवा सकते हैं। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स को आप एडमिशन के वक्त जमा नहीं कर पाएंगे, जिनके ओरिजिनल आपके पास नहीं है और आपको टाइम चाहिए, तो आप अंडरटेकिंग बनवा सकते हैं। अंडरटेकिंग जमा करने पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपको याद रहे कि 30 सितंबर 2019 तक सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल जमा करने होंगे, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आगे मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको अंडरटेकिंग बनवाना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा बनता है, कैसा दिखता है, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है और कैसे कहाँ से इशू करवाना है। तो आप आगे स्लाइड्स में देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में अंडरटेकिंग बनवानी है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। साथ ही साथ उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपसे शेयर करूंगा, तो आप ध्यान से देखिए। आप चाहे तो स्लाइड को पॉज कर आराम से सारी बातों को, अंडरटेकिंग में लिखी हुई बातों को पढ़ सकते हैं। ये सैंपल है, आपको इसी सैंपल में अपना अंडरटेकिंग या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर से बनवा सकते हैं। इसकी फॉर्मेट या तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं या कोई अपना अलग फॉर्मेट बनाकर आप उसको एडमिशन के टाइम पर ला सकते हैं। याद रखें कि आपको अंडरटेकिंग नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में लाना है, साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाना है। तो आप ध्यान से स्लाइड्स को देखिए। आगे मैं स्लाइड्स की मदद से आपको अंडरटेकिंग और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा यानी फॉर्मेट्स दिखाने जा रहा हूँ। आप स्लाइड को पॉज कर प्रोफॉर्मा देख सकते हैं। ये प्रोफॉर्मा है अंडरटेकिंग का, जो 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आप बनवा सकते हैं। नोटरी में जाकर ये प्रोफॉर्मा आप बना सकते हैं। प्रोफॉर्मा का मैटर क्या होगा आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आप स्लाइड को पॉज कर लें। आपकी जो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसका मेंशन होना चाहिए नाम यहाँ पर। साथ ही साथ आगे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का भी प्रोफॉर्मा मैं दिखा रहा हूँ। इस फॉर्मेट में आप किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आप ध्यान से इस स्लाइड को देख सकते हैं पॉज कर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये आइडिया मिल गया होगा, ये अंदाज़ा हो गया होगा किस फॉर्मेट में अंडरटेकिंग बनवानी है और कहाँ से अंडरटेकिंग बनवाना है। एक बार फिर दोहरा दूँ कि अंडरटेकिंग 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में बनेगा, ये नोटरी से बनती है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस से भी आप इशू करवा सकते हैं। साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं, उसमें उनका मुहर होना चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल लिखें और मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलिए, दूसरों से भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से ज़्यादा सब्सक्राइब करने को कहिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ CUCET के रिगार्डिंग, तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन। कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।